हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्कएंजल टैरोट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस तो आप लोग हैं ही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्कएंजल टैरोट एक चैनल नहीं, एक फैमिली है। और जो भी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान जी आपकी सारी विशेष पूरी करें, आपकी लाइफ में खुशहाली आए, बरकत आए, अबंडेंस आए। और जिस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं या इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हैं। सो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, सोचिए कि वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके करीब हैं। उनको विजुअलाइज करें। Six of Swords. ठीक है, Page of Cups. तो थोड़ी सी मेडिटेशन स्टेट में रहे आप। ठीक है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो फिलहाल शायद आप लोगों के लिए आप लोगों के फेवर में ना हो। मैं कार्ड और निकालना चाहूँगी। Oh my God, seriously? Okay. Okay. So, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। ठीक है, थिंग इज एवरीथिंग कोलैप्स। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है, आई थिंक ये रीडिंग मेरी सबसे बड़ी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ओके ठीक है, राइट। आप लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मजेदार था, एंड सारी चीजें आप लोगों के फेवर में होती थी, एंजॉयबल सिचुएशन था। जो प्यार में सब कुछ होना चाहिए, रोमांस, मिलना जुलना, मस्ती, सब कुछ था। पर ये मिलना जुलना ये नहीं है ना, लगा दिया आप लोगों के, लगा दी मतलब आप दोनों की बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती है, कुछ ज्यादा मस्ती हो गई। एंड थिंग इज, अब इनको लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, आपके पार्टनर को। जेन्युइनली कोई रीजन नहीं है, मुझे सीरियसली मैं देखना चाह रही थी कि
ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर ने ऐसा सोचा है? थिंग इज कुछ नहीं हुआ ऐसा ऐसा आप दोनों के बीच में इतना बड़ा जिससे इस रिजल्ट की उम्मीद करी जा सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सही चीज़ें थी, मस्ती हो रही थी, काफ़ी एन्जॉयमेंट था रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग थी, मज़े थे, लाइक या जीना ना फुल लाइवली ऐसा रिलेशनशिप था आप लोगों का। अचानक से आपके पार्टनर को ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने हैं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो क्यों। किसी ने इनके कान भरे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पे ना मुझे कुछ इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। ओके, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। थिंग इज इनको ऐसे लगने लग गया है कि मेरे को ऐसा चाहिए नहीं था, इनको कुछ और ही चाहिए था लाइफ में। लाइक हर एक का अपना होता है ना कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए फ्यूचर में, इनको था कि मुझे लाइक इनकी बहुत डिमांड है, ठीक है, इनको अपना एक स्टेबल फ्यूचर तो चाहिए चाहिए, और बहुत चूजी भी अपने पार्टनर को लेके। सारी चीज़ें होती गई, बट आफ्टर ऑल इनको ये लगा कि रियलाइज़ हुआ मेरे को ये नहीं चाहिए था कभी भी, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था जो मुझे समझे ना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप मेल हो तो आप समझ लो कि आपकी फीमेल पार्टनर को आप जैसी करेक्टरिस्टिक वाले नहीं चाहिए थे, मे बी ज़्यादा चीज़ी या मे बी जो ज़्यादा हाँ हाँ भरता हो, हर बात मानता हो, ठीक है, पर आप ऐसे नहीं हो। अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर को ऐसा चाहिए होगा जो मेरी हर बात माने, और मे बी आप ऐसे नहीं हो। हर एक को होता है ना यार, लाइक बस कि हम जो बोले हमारा मान ले या हमारी मान ले, सिंपल, हमको ज़्यादा लड़ाई ना करनी पड़े अपनी बात मनवाने के लिए। और शायद अगर आपको वो गलत लगेंगे तो आप नहीं मानोगे ना, इस नॉर्मल है, इस नेचुरल, ये जो उनकी एक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें लाइफ रिलेशनशिप सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, ठीक है, जैसा वो बनाना चाहते हैं ऐसा कोई नहीं होता, और जैसा वो ढूंढ रहे हैं अगर उनको लगता है कि उनको आइडियल पार्टनर चाहिए जो उनकी हर बात माने, या कुछ करेक्टरिस्टिक्स फिजिकल इमोशनल हो और उनको वैसा मिल जाए, ऐसा आई डोंट थिंक सो किसी के साथ भी होता है, क्योंकि किसी को नहीं मिलता ऐसा पार्टनर जेन्युइनली ट्रूली लाइक सिंसियरली। आपकी 100 विशेज है उसमें से 80-90 पूरी हो सकती है, 99 भी पूरी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 100% पूरी हो, और आपको उस एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना रिलेशनशिप में आने से पहले, कि आपका करेक्टरिस्टिक आपकी पर्सनैलिटी अपनी जगह और आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी अपनी जगह, और दोनों को उसकी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो आपको समझे ना, आपकी वैल्यू ना करे, उनको लाइक मेरी चीज़ मानो, आई एम राइट, ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हो। बट स्टिल यही माइंड में है, बहुत इमेच्योर एक्ट है, मैं बता रही हूँ कि जो ये कर रहे हैं उनके माइंड में ऐसे नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए या मेरे को ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए, तब तो मैं मूव ऑन करूँगा जनरली। अभी तक इन्होंने सोचा कि मैं मूव ऑन करूँगा, यहाँ से निकलूँगा, बट कर नहीं पाऊँगा, और ये मेरे को भी पता है, इनकी थॉट्स में कहीं ना कहीं आप रहोगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास रीज़न कुछ नहीं है ना आपको छोड़ के जाने का, इनके पास बस ये रीज़न है कि इनको आप जैसा नहीं चाहिए, या एक दो क्वालिटीज़ जो इनको चाहिए वो आप में नहीं है, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि नो, आई डोंट लाइक हर एनी मोर, लाइक हिम एनी मोर, कि अब ये आपसे प्यार नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, वही है
प्यार था बचकाना वाला, बच्चों वाला, लाइक एक स्टेबिलिटी, एक मेच्योरिटी, एक होता है ना शुरू में जैसे एक यूथ होता है काफ़ी एनर्जेटिक, शुरू शुरू में चांद दे दूंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ये कर सकती हूँ मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ, सब कुछ जोश जोश में काम करना। आफ्टर दिस रियलाइज होना कि नहीं, इस ये नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मेरी बात ही ना माने। तो आप इनको लगता है नो नो आई डोंट लव हिम, आई डोंट लाइक हर एनी मोर, मैं अब इनसे प्यार नहीं करता हूँ अभी इस फेज में ये, ठीक है। और बाद में ये कुछ करने भी वाले हैं, थिंग इज कुछ स्पूकी टाइप, लाइक आपको ना बताएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप उनके वेट कर रहे हो, है ना, उनको कहीं ना कहीं जहन में, बट उनको सुनना नहीं है अपने दिल की बात, उनको लाइक माइंड में जो इमेज है ना आइडियल पर्सनालिटी की, उनको वही चाहिए, ढूंढेंगे, ठीक है, तो लेट देम ट्राई, जो ट्राई करेंगे उनको करने दो, कहाँ आएगा धक्का धक्का खा के, चलो ये तो सस्पेंस में बाद में बताऊँगी। सो इनको ऐसा है कि मैं कुछ स्पूकी करूँ, ठीक है, मे बी किसी से बात करने लग जाए, इट्स नॉट दैट आपको चीट कर रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में भी है ही नहीं कि आपसे प्यार करते, इनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं। एंड फिर इनका ऐसा है कि मैं कुछ करूँ, ठीक है, लाइक आपसे कटने के लिए करेंगे ये जो भी करेंगे, इट्स नॉट दैट कि आपको चीट करेंगे, बट आपसे छुपा के कुछ करने करेंगे, मे बी किसी और से बात करें, एंड पता नहीं मुझे जूते पड़ने वाले हैं अगर मैंने ऐसा बोला तो, अगर ये किसी और से बात करते हैं ना, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि आप जिसकी तलाश में हो ना, ज़रूरी नहीं है आपको जिससे प्यार होना, आपको वैसा पर्सन लाइफ में चाहिए था, और आपको जैसा पर्सन लाइफ में चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे प्यार हो जाए। अभी तक इनको ऐसा है कि मुझे जैसा पर्सन चाहिए वो मेरी लाइफ में आए, जब इनको समझ आएगा ना कि नहीं ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, तब ये बहुत जिद छोड़ देंगे, और उनको ये बात समझ आनी बहुत ज़रूरी है, लाइक डैम नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये इमेच्योर तरीके से कि इनको लाइक डीप लेवल पे ना, लाइक मैं ये नहीं बोल रही समझदार नहीं है, बट एक मैच्योर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको ऐसा लगता है जैसे आइडियल फिगर ये ढूंढ रहे हैं ना, नॉट फिगर लाइक आइडियल पर्सनैलिटी, वो उनको मिल जाएगी, ऐसा होना नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ रहती है कमी, ठीक है, तो इस चीज़ के पीछे ये ना भागे, ये भागे कि इनका दिल क्या बोलता है, इनके दिल में कौन है, ये प्यार किससे करते हैं, उस चीज़ के पीछे जाएंगे ना तब इनका भला होगा, तब इनकी लाइक ग्रोथ होगी, ठीक है, मैच्योर होंगे ये थोड़े से। तो थिंग इज ये जो टाइम है ना ये इनकी मैच्योरिटी का ही टाइम है, अभी आएंगे खाएंगे धोखा, जूते चप्पल जो भी खाएंगे किसी से, एंड ये समझ जाएंगे कि दुनिया सिर्फ यूज़ करने के लिए, अगर अपने असली प्यार की आप कदर नहीं कर सकते ना, दैन इट्स योर लॉस, और ये बहुत जल्दी समझेंगे, लाइक इट्स वॉट्स आई वुड से विद इन वीक्स, हफ्तों में ये अकल आ जाएगी, दैट इज मैच्योरिटी इज़ वेरी लाइक लोगों को जल्दी जल्दी नहीं आती, बट आई वुड से हफ्ते भर में इनको आ जाएगी, कुछ हफ्तों में, एंड ये जब समझ जाएंगे ये सारी चीज आपके पास वापस आ जाएंगे, आके सॉरी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। थिंक इज गाइज प्यार आपका है ये, ठीक है, मैं रोमांस एंजल से निकालती हूँ कुछ, आपका ये प्यार है, बट अब ये समझ नहीं रहे हैं, जैसे लाइक बच्चे नहीं होते उनको समझाना, एक उनको ऐसे ही चाहिए, मेरे को तो भाई ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, भाई वो खिलौना दो दिन में टूट जाएगा, वो खिलौना लेना जो तेरे लिए लंबा चले, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप खिलौना हो, बट एक एग्जाम्पल, ठीक है, कि समझ जब आ जाएगा ना इनको, ये वापस आएंगे, एंड फिर आपकी मर्जी है कि इनको माफ़ करना है, इनको सुनाना है, क्या करना है, ये कार्ड अपने आप आया है,
एक्सप्रेस योर लव। अभी मैं बोल रही थी आपकी मर्जी है, बट थिंग इज आप मुझसे प्यार तो करते ही हैं, तो अपना प्यार अपना प्यार उनको जाहिर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप उनसे प्यार करते हो, ये चीज़ बता दीजिएगा, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की अभी बातें चल रही है, जो कि मुझे नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप लोगों की बातें चल रही है, तो चल रही है ना, तो उनको रियलाइज़ कराना इट्स लव, इसकी इंपॉर्टेंस सीखो, ठीक है। उनको रियलाइज़ कराना कि प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है, और आप उनसे कितना प्यार करते हो, ये चीज़ उनको रियलाइज़ कराना, एक्सप्रेस करना, बोलना, जैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, गिफ्ट दे के, सरप्राइज दे के, बोल के, जो भी, ठीक है। डिसेप्शन, बिल्कुल। अभी उनको लग रहा है कि थिंग इज ये दोनों कार्ड सेम आए हैं, जो वो करने वाले हैं कि नहीं मैं किसी को ढूंढूंगा, ठीक है, ये तो मुझे पता ही था। एक और कार्ड निकालेंगे, ट्रस्ट। ये उल्टा है, उल्टे आते नहीं है ये, बट लाइक ट्रस्ट उल्टा आया है, ठीक है, उल्टे आते ही नहीं है, बट ठीक है आया, तो थिंग इज वही बात है कि अभी आपका ये कुछ करने वाले हैं ऐसा जिससे कि आपका ट्रस्ट टूटेगा, आपको बहुत हर्ट होगा, ठीक है। एंड थिंग इज आपको शायद वार्निंग मिल भी रही होगी मेरे हिसाब से, या तो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या कुछ है, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है प्लीज़ उसको सुन ले, क्योंकि अभी ये कुछ कांड करने वाले हैं जो आपको पसंद नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आगे नहीं आएंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन इनको अक्ल है ना, इनको अक्ल ये करने से लगेगी। सोचो जब तक ये किसी और के पास जाके बात नहीं करेंगे, तब तक इनको कैसे पता लगेगा कि वो क्या है और आप क्या हो, आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे। देखो इंसान के पास हीरा होता है, उसको समझ नहीं आता कि ये हीरा है, ठीक है, क्योंकि उसको इतनी अकल होती नहीं है, जौहरी नहीं होता हर कोई कि समझ सके ये हीरा है, डायमंड है, ठीक है। एक सिंपल मोती भी होता है, उसको क्या पता कि ये हीरा ये क्या, फिर उसको लगता है नहीं मेरे को तो पत्थर चाहिए, जाएगा पत्थर देखेगा, पत्थर से मिलेगा, जब वो उस पत्थर को देखेगा तब समझ में आएगा अरे ये क्या है और वो क्या था, तब उसके दिमाग की घंटी खुलेगी ना, तब वो समझेगा कि हीरा था वो और मैं कहाँ पत्थरों के पीछे पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये समझने के लिए उसको पत्थर भी तो उठाना पड़ेगा ना, थिंग इज कि उसको ये समझाने के लिए कि आप क्या हो, कोई और से तो वो बात करेगा ही ना, ठीक है। सो इट विल हर्ट यू, मैं जानती हूँ, और आपका दिल भी ये चीज़ तोड़ने वाली है, ये भी मुझे पता है। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जस्ट आई वॉन्ट टू नो दैट, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग इस मोमेंट पे ख़त्म नहीं कर सकती कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी, वो क्या करने जा रहे हैं। थिंग इज आप दिख रहे हैं, ठीक है, डोंट बी सैड, अपने आप को अकेला मत रखें, सिंपल, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोनली फील करने वाले हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड आई कैन सेंस दैट, ठीक है। जेन्युइनली मैं तो लाइक माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी बात लाइक बोली है, आप लोगों को लाइक दिल दुखा है, बट अगर मैं नहीं बोलती और ऐसा होता ना, तो थिंग इज मैं आप लोगों को पहले ही प्रिपेयर कर दूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दूँ। टैरो कार्ड रीडर का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी रीडिंग करे और लाइक हाँ है तो आप सुने और जाएं, और ना है तो छेड़ो के चलिए, ये तो बेकार रीडर है, मैं किसी और की रीडिंग देखता हूँ वो अच्छा बोलेगा, या इसकी देखता हूँ वो अच्छा बोलेगा। थिंग इज अब जिस रीडिंग को देख रहे हैं ना, शायद कहीं ना कहीं आप इसके लिए बने हो या ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि मैं डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती, और लाइक ऐसी रीडिंग
होती है तो मैं छुपाना भी बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जो चीज़ होनी है वो तो वो कर रहेगी, ठीक है, उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकते हैं ना कोई। थिंग इज आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके में, वो चीज़ मैटर करती है। अपने आप को अकेला मत रहने देना, ठीक है, और ना ही अकेला सोचना। दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिनके साथ अच्छा लगता है उनके साथ घूमना खाना फिरना, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब करने लग जाना। अकेला बिल्कुल भी मत रहना, बिकॉज ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है ना, ये आपका भी टाइम है, आप भी इसमें कुछ सफ़र करोगे और सफ़र करके कुछ सीखोगे, ठीक है। सो डोंट वरी, अकेला मत रहना, सिंपल यही बोलूँगी मैं। जो अच्छा लगता है वो करते रहना, अपने आप को बिजी रखते रहना, अपने दोस्तों से बात करना, ये करना, इट विल गिव यू लाइक, दर्द नहीं मिटा सकते आपका, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, ठीक है, और अपना फ़ायदा उठा सकते हो इस इन चीज़ों से, ठीक है, नॉट इन गलत सेंस फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाने लिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है, हो सके तो यही करना। और अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंसल्टेंसी चाहिए, कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर चाहिए तो। आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, आप लोगों के लिए हूँ मैं हमेशा। सो डराऊंगी नहीं, ठीक है, थिंग इज एक्सेप्ट द सिचुएशन माइंड में, सो एक्सेप्ट करो इस सिचुएशन को, ये ऐसा होना है, फिर हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, एंड यू आर ट्राइंग, मत करो पर, ठीक है, पत्थर खा लेने दो एक, तो जब तक पत्थर नहीं लगेंगे ना तब तक लगी अकल भी नहीं जाएगी, समथिंग लाइक दैट। सो अच्छा बुरा नहीं बोलूँगी, बट इससे वो बहुत कुछ सीख जाएंगे, और उसके बाद जो वो समझेंगे ना कि व्हाट्स लव, आपके पास आएंगे, ठीक है, बट आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, एन्जॉय करना जितना हो सके, लाइक बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने एन्जॉय करना, लेकिन ट्राई टू लाइक सबसे कॉन्टैक्ट रखना, कम्युनिकेशन रखना, अपने आप को बोर मत होने देना, अकेला मत फील कराना, और देखो कोई अकेला नहीं होता, सबसे बड़ा हाथ होता है फैमिली का हमारे बीच, ठीक है, एंड फिर भी अगर कोई नहीं है, अकेले ही हो भाई, मुझसे आगे बात कर लेना, सिंपल। By the way, I am consultant also, ठीक है, so yeah, ये थी आज की रीडिंग, आपको पसंद आई तो please, मुझे लगा पसंद तो नहीं आई होगी, रेजोनेट करी, समझ आई, मेरे एफर्ट्स समझ आए आप लोगों को, तो please please चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जो भी मन में ना बता देना मुझे, ठीक है, मन में मत रखना, एंड लाइक ज़रूर करना प्लीज़, एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं उतनी मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं उतना ही आप लोगों के लिए अवेलेबल तो हूँ ही, हमेशा हूँ, ठीक है। सो आप मेरा इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, आपका प्यार मुझे हमेशा चाहिए, एंड लाइक आप हैं तो मैं हूँ जनरली लिटरली, ठीक है, और अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं तो प्लीज़ मुझे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आज की रीडिंग सिर्फ इतनी, नेक्स्ट रीडिंग कल आएगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू।